नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुख करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने दिया इस्तीफा, सोनिया गांधी को भेजा पत्र। मुंबई में अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के ठिकाने पर ईडी के छापे, मनी लॉन्ड्रिंग का है मामला। शिवपाल सिंह यादव का दावा, यूपी में बनेगी सपा प्रसपा गठबंधन की सरकार, अखिलेश के लिए पहुंचे दरगाह। तेज प्रताप यादव को जान का डर, गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर मांगी वाई कैटेगरी सिक्योरिटी। ओमिक्रॉन का खतरा बरकरार, मुंबई में 95% नए कोरोना सैंपल में मिला वेरिएंट। से 18 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन कोवैक्स एसईसी ने की सिफारिश। हिजाब विवाद में नया ट्वीट, हाईकोर्ट में स्कूली पोशाक के रंग का हिजाब पहनने की अनुमति दिए जाने की मांग। मार्च के बाद भारत में खत्म हो जाएगी कोरोना की महामारी, तीसरे लहर के आंकड़ों पर विशेषज्ञों की राय। ईडी ने मानव बाल की तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का किया पर्दाफाश, भारत से म्यांमार होते हुए चीन भेजा जाता था बाल। राज्यों के रेरा के नियमों की जांच करे केंद्र, सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखे कि राज्यों के नियम पर खरीदारी के हित में है या नहीं। नीट पीजी में ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर स्पष्टीकरण की मांग, सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुरक्षा के लिए खतरा बने चीन के 54 और ऐप पर लगी रोक, भारत विरोधी देशों को भेज रही थी यूजर्स की निजी जानकारियां। नीतीश बोले समाजवाद पर पीएम नरेंद्र मोदी के विचार एकदम सही, परिवारवादियों का भविष्य नहीं। मोदी ने जालंधर से कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले 2014 में युवराज ने मेरा हेलीकॉप्टर उड़ने नहीं दिया था। हिजाब विवाद पर सीएम नीतीश ने तोड़ी चुप्पी, कहा यह कोई मुद्दा नहीं, बहस की जरूरत नहीं। दूसरे चरण में 64.42% मतदान, सहारनपुर की बेहट व नकुड़ में 75% से अधिक पड़े वोट। AIMIM ने 10 और प्रत्याशियों की जारी की 14वीं सूची, आजमगढ़ में गड्डू जमाली को दिया टिकट। शिवपाल का सीएम योगी पर पलटवार, बोले धमकी देने वाला कभी संत नहीं हो सकता। संबल में हिजाब की आड़ में फर्जी वोटिंग का आरोप लगाकर भाजपा प्रत्याशी राजेश सिंगल धरने पर बैठे। गोरखपुर में 32 प्रत्याशियों के पर्चे खारिज, इनमें से 9 सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मैदान।
मैदान में थे। बुलंदशहर में डकैती गिरोह के बदमाश पकड़े, बंद पड़े आलिशान बंगलों और कोठियों को बनाते थे निशाना। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर में दिखा चमत्कार, धू धू कर चल उठी कार, बच निकला कार सवार। फतेहपुर में सपा को बड़ा झटका, पूर्व मंत्री समेत कई नेता भाजपा में शामिल। भाजपा का विपक्षी दलों पर तीखा प्रहार, वो बच्चियों को हिजाब पहनाएंगे, हम आत्मनिर्भर बनाएंगे। सीतापुर में दर्दनाक हादसा, एक बाइक पर 6 लोग सवार, ट्रक ने कुचला 4 की मौत, मां और मासूम बचे। डिजिटल यूनिवर्सिटी की ओर बढ़ेगा लखनऊ विश्वविद्यालय, विश्व स्तरीय गुणवत्ता के साथ घर बैठे कर सकेंगे पढ़ाई। वाराणसी में निर्वाचन आयोग की ओर से तय गाइडलाइन के तहत काम पूरे बूथ पर, मतदाताओं को मिलेगी सुविधा। पूर्वांचल को मथेंगे भाजपा के दिग्गज, गोरखपुर में अमित शाह का रोड शो, महाराजगंज से सभा करेंगे पीएम मोदी। गोरखपुर में स्कूलों में लौटी रौनक, थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाइजेशन के बाद मिल रहा छात्रों को प्रवेश। हरदोई में चुनाव से पहले प्रशासन अलर्ट, जनपद में वाहनों की हुई चेकिंग। महोबा में भाजपा सरकार पर बरसे अखिलेश यादव, मतदान के बाद सुन पड़ जाएंगे भाजपा नेता। प्रतापगढ़ में भाजपा प्रत्याशी ने किया जनसंपर्क, जनता को गिनाई सरकार की उपलब्धियां। सोनभद्र में 5 प्रत्याशियों ने किया नामांकन, कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ नामांकन। ओपी राजभर ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, वाराणसी के डीएम और पुलिस कमिश्नर पर लगाया आरोप। वाराणसी में खप रही हरियाणा की शराब, तस्करी रोकने में आबकारी विभाग की टीम फेल। सकेंगे किसान, धन व समय दोनों की होगी बचत। देवरिया के विकास भवन में कर्मचारियों के लिए लागू हुआ ड्रेस कोड, अलग कपड़ों में नजर आएंगे कर्मचारी। पातालपुरी पीठाधीश्वर संत बालक दास महाराज बोले, स्वतंत्रता के समर्थक व समरसता के प्रतीक है राम। उन्नाव में दिखा जंगली जानवरों का आतंक, लोगों ने लाठी डंडों से जानवरों को दौड़ाया, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। महोबा में सपा पर बसे केशव प्रसाद मौर्य, कहा सपा माफिया अपराधियों को बनाने वाली फैक्ट्री। प्रतापगढ़ में युवक की हत्या, गले पर चाकू से वार किया गया।
कालाबाजारी का पर्दाफाश, प्रयागराज की आरपीएफ ने किया गिरफ्तार। मथुरा में देर शाम बड़ा हादसा, शॉर्ट सर्किट से रोडवेज बस में लगी आग, भीषण आग, जिंदा जला यात्री। जेल से लड़ेंगे चुनाव, आगरा सेंट्रल जेल में बंद विधायक विजय मिश्रा को मिली नामांकन की अनुमति। आगरा में निर्मम हत्या, बीमा कंपनी के मैनेजर को बेसबॉल से पीट कर मार डाला। हल्द्वानी में आधी रात भीषण आग, पेड़ से टकराई कार, चार दोस्तों की मौत, एक गंभीर। मुख्यमंत्री धामी को विधानसभा खटीमा में झमाझम, बरसे वोट, पिछली बार से बड़ा मतदान। विधायक संजय गुप्ता ने उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाया, निष्कासन करने की उठाई मांग। अजय भट्ट ने कहा लालकुआ सीट पर चुनाव हार रहे हैं हरीश रावत। मुख्यमंत्री धामी ने कहा सारे मिथक तोड़ इतिहास रचेगा उत्तराखंड। कोरोना के साए में हुआ उत्तराखंड विधानसभा चुनाव, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद हुई एंट्री। उत्तराखंड में बारात संग सहरा बांधकर पहुंचा दूल्हा, तो कहीं शादी के जोड़े में मतदान करने पहुंची दुल्हन। लोहाघाट में 2 लाख से अधिक की नकदी के साथ भाजयुमो जिलाध्यक्ष गिरफ्तार। बीजेपी में कला एमएलए संजय गुप्ता के एक और वीडियो वायरल, मदन कौशिक को कहा गद्दार। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डाला वोट, बोले उत्तराखंड के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी। शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ मतदान प्रक्रिया, सारे बूथों की ईवीएम मशीनें हुई सील। सीएम धामी और एमएलए पुंडीर पर पैसे बांटने के आरोप, बीजेपी ने स्टिंग से कांग्रेस को घेरा। लक्सर में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ मतदान, 90 वर्षीय महिला ने किया मतदान। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में 65.10% मतदान, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ मतदान। देवभूमि में अगर कोई हिंदू की परिभाषा नहीं जानता तो उस पार्टी का सत्ता में आने का अधिकार नहीं, सीएम योगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने फेसबुक पर बताई हमले की तारीख, अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा तुरंत देश छोड़ो। हमले को टालने के लिए कोशिशें तेज, बीच बचाव में जुटे जर्मन चांसलर। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पुतिन को दी सलाह।
पीएम मोदी से मिले कन्या के पूर्व प्रधानमंत्री बेटी की आंखों के इलाज के लिए आए हैं भारत। पाकिस्तान आर्मी ने कद्दावर में एक बार एक युवा बलोच विद्रोही नेता की हत्या, भाई ने कहा उन्हें गर्व है। जयशंकर की टिप्पणी पर चीन ने दी प्रतिक्रिया, कहा दोनों देशों को करना चाहिए सीमा समझौता का अनुपालन। पाकिस्तानी कॉलेज का वैलेंटाइंस डे फरमान, लड़के नमाजी टोपी, लड़कियां हिजाब में 2 मीटर की दूरी जरूरी। यूक्रेन को सैन्य आर्थिक मदद देगा यूके, संकट डालने के लिए यूरोप चाहे जॉनसन। आतंकवाद पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान को फिर लताड़ा, कहा पीए की आतंकवादियों का भी राहत समर्थन। उत्ती विद्रोहियों की खैर नहीं, यूएई की रक्षा के लिए पहुंचे यूएस के F-22 राफ्टर। उइगर मुस्लिमों को कैंप में कैद कर मजदूरी करवा रहा चीन, यूएन की रिपोर्ट में खुलासा। कोविड प्रतिबंधों से जनवरी में खुदरा बिक्री प्रभावित, व्यवसायों के इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा नुकसान। देश के कन्नौज में बना परफ्यूम न्यूयॉर्क में हुआ लॉन्च, लौंग इलायची जायफल जैसी चीजों से हुआ है तैयार। एबीजी शिपयार्ड धोखाधड़ी पर निर्मला सीतारमण का बयान, कहा बैंकों ने औसत से कम समय में पकड़ा फ्रॉड। एयर इंडिया को मिला नया एमडी सीईओ, अब पॉलिटिकल साइंस के छात्र के हाथ में होगी महाराजा की कमान। पीएलआई स्कीम के तहत महामारी में उबर रहे ऑटो सेक्टर को मिलेगा रफ्तार, मिलेंगे 7.5 लाख नौकरियां। भारत में नहीं होगी सेमीकंडक्टर की कमी, आईफोन बनाने वाली कंपनी के साथ मैन्युफैक्चरिंग करेगा वेदांत। भारत और यूएई में 18 फरवरी को मुफ्त व्यापार समझौता पर कर सकते हैं हस्ताक्षर। आठ साल के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा कच्चा तेल, $95 पर पहुंचा क्रूड ऑयल, 10 मार्च को 15 रुपए तक बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। जियो प्लान पर हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स फ्री, अमेजन प्राइम का मंथली सब्सक्रिप्शन भी होगा फ्री। टाटा सन्स और साइरस मिस्त्री विवाद, साइरस को चेयरमैन पद से हटाए जाने का मामला रिव्यू, पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे T20 मैच से पहले श्रीलंका को झटका, स्पिनर वानिंदु हसरंगा हुए कोरोना संक्रमित। बतौर कप्तान मिताली राज ने वुमेन्स वनडे क्रिकेट में बनाया शानदार रिकॉर्ड, लेकिन टीम इंडिया को मिली हार। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में ऋषभ पंत को मिली बड़ी जिम्मेदारी।
भारतीय ऑलराउंडर टीम से हुए बाहर, कुलदीप यादव को मिली जगह। राहुल आथिया सेटी का वैलेंटाइन डे वेस्टइंडीज सीरीज में चोटिल होने के बाद छुट्टी पर, राहुल गर्लफ्रेंड आथिया सेट्टी के साथ शेयर की फोटो। पहले टी20 मैच के लिए इंडिया की प्लेइंग 11 तय, कप्तान रोहित शर्मा दो प्लेयर को करेंगे कुर्बान। बीसीसीआई का नया पैंथरा प्लेयर कुलदीप यादव की अचानक टीम इंडिया में हुई एंट्री, खौफ में वेस्टइंडीज। खत्म हुई कप्तान रोहित की टेंशन, अमाई के ऑक्शन से मिला हार्दिक से भी तगड़ा ऑलराउंडर। आईपीएल की सभी 10 टीम एसडब्ल्यूओटी एनालिसिस, मुंबई चेन्नई और राजस्थान बन सकते हैं चैंपियन, पंजाब और आरसीबी सबसे कमजोर। बच्चन पांडे के टाइटल में ट्रेलर आने से पहले हुआ बदलाव, नए पोस्टर पर दिखा अक्षय कुमार का डरावना चेहरा। साथ रोमांटिक तस्वीर शेयर की, फैंस ने कहा पार्वती जी की शक्ल क्लियर दिखाइए। दो साल की हुई शिल्पा शेट्टी की बेटी समीक्षा, एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर बताया अनमोल। शाहरुख दीपिका पठान की शूटिंग के लिए मार्च में जाएंगे स्पेन, इस फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका के अलावा जॉन अब्राहम भी नजर आएंगे। बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में होगी गंगूबाई काठियावाड़ी की स्पेशल स्क्रीनिंग, गंगूबाई काठियावाड़ा 25 फरवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। विक्रांत मैसी ने शीतल से की रजिस्टर्ड शादी, कई सालों से एक दूसरे को कर रहे थे डेट। दी कपिल शर्मा शो में द फेम गेम को प्रमोट करने पहुंची माधुरी दीक्षित, कपिल माधुरी से कहते हैं माधुरी मैम का क्रेज हमेशा टॉप पर रहेगा। पति रितेश से अलग होने पर राखी सावंत बोली, मेरी माँ उसे रोकती रही पर वह चला गया। अनुपम खेर की माँ पर चढ़ा पुष्पा का बुखार, शिवल्ली पर डांस करते वायरल हुआ वीडियो। ऑस्कर 2022 में दर्शकों को भी मिलेगा जज बनने का मौका, नए अवार्ड में फैंस ट्वीट कर चुनेंगे अपनी फेवरेट फिल्म। देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।